हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड अनुप्रिया और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लड्डू, जिसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं डेट्स यानी खजूर के लड्डू, डेट्स बॉल। साथ ही बनाएंगे हम इसके बर्फ़ी भी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया बना हुआ है। तो आइए अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि ये हमने कैसे बनाया है। तो खजूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खजूर ले लिया है। ये बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जिसमें बिना बीए के भी ये मिल जाता है। उसके साथ ही मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है, 1 से 2 चम्मच पोस्ता दाना यानी खसखस, इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम खजूर को जो है मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसे दरदरा हमें पीसना है, बिल्कुल एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया से, ये जिस तरीके से मैं लड्डू बनाने के लिए चाहिए वैसा ही ये पीस गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें हम खसखस यानी पोस्ता दाना जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको 1 मिनट के करीब हमें भुनना है। तो ये देखिए, ये बढ़िया अब ये लाल हो चुका है। खसखस निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम घी डाल के घी गरम करेंगे और इसमें हम हमारे जो बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो जब तक ड्राई फ्रूट्स में अच्छी खुशबू आती है तब तक हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भून के तैयार हो गया है, तो साथ ही हम इसे निकाल लेंगे अब। तो फिर से इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम खजूर यानी कि जो हमारे डेट्स हैं वो हम ग्राइंड किया हुआ डेट्स है उसको हम इसमें 4 से 5 मिनट भून लेंगे। तो पहले घी गरम हो जाएगा, घी गरम होने के बाद हम इसमें डेट्स ऐड करेंगे। तो ये हमने इसको ऐड कर लिया है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट तक। डेट्स बहुत ही हेल्दी होता है, डेट्स यानी खजूर। इसमें रिच ऑफ फाइबर्स है, फाइबर्स इसमें बहुत होता है। इसमें ये शुगर फ्री होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। शुगर इसमें मतलब इसकी अपनी स्वीटनेस होती है। तो इस तरीके से इसको हमने फ्राई कर लिया है और साथ ही इसमें हम इसमें जो हमारे फ्राई ड्राई फ्रूट्स हैं इसको ऐड कर लेंगे और इसे भी हम थोड़ी देर साथ में भून के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम फ्लेवर के लिए जो इलायची पाउडर यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। 1 प्लेट पर मैंने थोड़ा पोस्ता दाना और थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं। तो हाथ की मदद से, हम अपने दोनों हाथ की मदद से इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे लड्डू का शेप देंगे। इस तरीके से गोल गोल बॉल्स बना लेंगे और जो हमारा पोस्ता दाना और हमारा ड्राई फ्रूट्स है इस मिक्सचर में इसको अच्छे से हम कोट करेंगे ताकि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे और ये बहुत टेस्टी भी लगे। तो इस तरीके से हम अपने सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं। तो हमारे लड्डू इस तरीके से हम एक एक करके अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो हाफ़ मिक्सचर के मैं लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखिए, हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो आइए अब हम बर्फ़ी की तैयारी करते हैं। तो बर्फ़ी के लिए हम बाकी बचे मिक्सचर को जो है प्लेट में निकाल लेंगे और उसको स्पैचुला या हाथ की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, पूरे प्लेट पर अच्छे से बिछा लेंगे। फिर अपने हाथ की मदद से इसको हम रोल करेंगे। तो इस तरीके से फ्लैट करने के बाद इसको हम अपनी हाथ की मदद से बहुत ही संभाल के इसे हमने रोल करना है पूरा। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से मैं इसे रोल कर रही हूँ, इस तरीके से आपको रोल करना है। और जब ये बहुत अच्छे से ये पूरा रोल शेप में हो जाए, इस तरीके से हाथ से आप इसको पूरा सेट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। फिर साथ ही हम इसे पोस्ता दाना और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है इस रोल को हम उस पर भी अच्छे से डिप कर लेंगे, मतलब रोल कर लेंगे ताकि उसका जो मिक्सचर है ये पूरा इसमें अच्छे से रोल हो जाए, सेट हो जाए। और ये काटने के बाद जब हम इसे कट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, हमने इसको पूरा अच्छे से इसमें रोल कर लिया है। तो आइए अब इसको पीसेस में कट करते हैं। तो ये देखिए, हमारे लड्डू और हमारे बर्फ़ी बन के तैयार हो गए, जो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।